नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल नाइवियर सेंटर झांसी से। आज मेरी ओपीडी में एक फिर से मिराकल बेबी मिलने आया, तो मुझे लगा मैं इसका वीडियो बनाती हूँ। अब ये हस्बैंड वाइफ की एज बहुत ज़्यादा थी और लगभग 30 ईयर्स हो गए थे मैरिज को। एज भी 50+ थी, बट उस टाइम वो लॉ नहीं बना था जिसमें कि एज लिमिट होती है हस्बैंड वाइफ की। अब तो लॉ बन गया है, सो हम लोग 50 के ऊपर का नहीं कर सकते। तो इनका बेटा IVF के थ्रू हुआ था, फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव कर गए थे। और ये लोग 3 ब्रदर्स हैं और घर में कोई भी बच्चा नहीं था, तो काफ़ी डिप्रेस थे। पुलिस में खुद काम करते हैं। और अब बेटा IVF से 9 ईयर्स का हो गया है, फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव कर गए थे। तो आप प्लीज़ इनकी पूरी स्टोरी सुनिए। थैंक यू। ये मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ जिससे आप लोग की पॉजिटिविटी बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और बिल्कुल निराश ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराइए अपने डॉक्टर के पास जाके, चाहे वो जो भी हो। मे बी सिर्फ आपको जांचों से प्रेगनेंसी आ जाए, मे बी आपका IUI करना पड़े, मे बी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से हो जाए, मे बी IVF करना पड़े, बट इट इज़ अ जर्नी। मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जर्नी है, तो आपको उसको पूरी तरह से करत अभ्यास के जड़ मत हुए सुजान, वो वाली जो एक कहावत है, मतलब ये है कि आपको लगे रहना है। और आप लगे रहेंगे अपने डॉक्टर पे, स्टिक करिए। जिसके भी पास भी आप करा रहे हैं, जस्ट आप ये देख लीजिए कि आप एक अच्छी जगह करा रहे हैं, आपको अच्छे वहाँ पे पेशेंट्स मिल रहे हैं। जब आप जाते हैं तो आपको जो पॉजिटिविटी पॉजिटिव वाले पेशेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। किसी की प्रेगनेंसी चल रही होती है, किसी की डिलीवरी हो चुकी होती है, तो उनसे मिलिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो अगर आप एक प्रॉपर प्लेस पर हैं, डोंट डाउट रिगार्डिंग एनी थिंग, बस अपने ट्रीटमेंट पर लग जाइए। एंड कोई भी एकदम से ऐसे नहीं कर सकता कि सीधे जंप करें। हाँ, अगर आप में प्रॉब्लम है तो वो भी करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ जो भी ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट कराइए, जिससे आपके ड्रीम्स फुलफ़िल हों और आप भी माँ बन सके और दोनों पेरेंट्स मतलब मदर फादर बन सके, जिससे एक जो होता है ना बुढ़ापे का सहारा, वो मिल जाए। तो ऑल द बेस्ट। उसके पूरा सुनिएगा पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलने के लिए आई, मैं बहुत दिन हो गए थी। अगर तू कब मिल ले जाके सबसे, कितने साल हो गए थे आपकी शादी को पहले? मेरी शादी को हो गए थे 20 साल। लास्ट में था मैं 48 नहीं, 20 से तो ज्यादा हो गए थे, 50 के बाद हमारे थी। मैंने शादी जल्दी हो जाया करती, ये सब लोगों की उम्मीद मैंने झांसी दिल्ली को आज गया इंदौर, फिर आपके यहाँ आपने पाल लगा। आपने पाल लगा दिया, ये आपका जीवन भर आभारी है। मैं तो भागते हूँ सब इंस्पेक्टर रहा, लेकिन मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ। बड़ी मेहनत की, बड़ा परेशान, सो ही नहीं पाओ तो नहीं पाए। अरे हम बुलवाएंगे, अच्छा बड़ा कुछ बनेगा। क्या बनेगा? पुलिस बनेगा। पापा ने पुलिस की थी, पुलिस। और ये पढ़ने में भी होशियार है, पढ़ने में होशियार है। मैडम जी यहाँ पैदा हुआ था तो मुझे मैडम को देखने चलना है। हमने कहा चलो, जब सीखी के मम्मिया जी मुझसे कहिए बेटू मैडम को देखना है। हां, वो कह रहा था मुझे देखना है। मैडम क्या पैदा जो की है, मैडम के बस सब मम्मी पापा हमने सबने मेहनत करी तब तुम आए हो इस दुनिया में। अब तो मैं अपने पापा की और ध्यान रखना। मान लगा तुम्हारे भाई बहन नहीं है कोई, और भाई बहन भी आज छोड़ा अकेला हूँ तो हमारा पूरा परिवार आपके वहाँ आता है कि उनने बहुत अच्छा किया, इस परिवार चलाती है। मैं तो 3 भाइयों में अकेला ही है। अच्छा। दुनिया भर की अब मैं क्या निवेदन करूँ, जायदाद गाड़ी घोड़ा बल्लू के राइफल सब पड़ा है, चार चार मकान लोंगाओ में, गाँव में 3 मकान, 70-80 एकड़ जमीन कहाँ जाती है। तो आपने कृपा कर दी आ गया वापस, कोई ऐसा मकान तुम्हारे नाम का है तो जो तुम्हारे नाम।
बच्चा है तो किसी और को दे दोगे। एक बार कह रहा था पापा मेरी शादी करा, मैंने कहा अभी से शादी, अभी से शादी की तो बच्चे माना है वो पढ़ेंगे मकान देखेंगे संभालेंगे घर, हमने अकेला कह कर बहुत बात कर अच्छा से पढ़ कर थोड़ी बहुत कर लू मैं कमजोरी हूँ तुम सोचते कि तो कमजोर हो जाए मैं कमजोरी हूँ मुझे अच्छा लगता है हमारे गांव काफी तगड़ा है। चश्मा 6 साल से रखो 7 साल है। अब चश्मा डाक का क्या होता है धीरे धीरे लग जाएगा हाथ में कोई ऐसी बोल रही है पाँच का लग जाता है चश्मा। तो आपने परिवार चला दिया तो मैं मेरा सब कुछ सही हो गया नौकरी सब नहीं तो सब व्यर्थ था। सुनी तो मेरा मैं देखूंगा ना तुम सोच जीता ना मेरा मैं कुछ सुबह भी आ गई आगे।